दिस इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस। अब उसके अंदर में यू हैव, ध्यान से समझना और इसको नोट कर लेना कहीं पर, यू हैव 20 मार्क का यूनिट टेस्ट वन, 20 मार्क का यूनिट टेस्ट टू, जिसका आपको एवरेज देना रहेगा, एंड देन यू विल हैव एंड सेमेस्टर 80 मार्क का। सो द टोटल मार्क्स विच इज देयर इज ऑफ 100, ठीक है। 25 मार्क का आपके पास टर्म वर्क होता है। अब ये क्या चीज होती है, पहले आज हम उससे थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे, एंड लास्ट में आपकी एग्जामिनेशन होती है 25 मार्क्स की। सो टोटल वेटेज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज 150 मार्क्स। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बिकॉज आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर में मैथमेटिक्स कम्स फॉर 125 मार्क्स, फिजिक्स कम्स फॉर 100 मार्क, केमिस्ट्री कम्स फॉर 100 मार्क, मैकेनिक्स कम्स फॉर 150 मार्क, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं BEE, दैट कम्स फॉर 150 मार्क, EVS कम्स फॉर 75 मार्क्स, एंड देयर इज अ वर्कशॉप प्रैक्टिस। नाउ दिस वर्कशॉप प्रैक्टिस इज बेसिकली आप लोग को वर्कशॉप में लेकर जाके आप लोग को अलग अलग जॉब्स बनाने होते हैं, अलग अलग शेप्स बनाने होते हैं। मेटल के ऊपर में आपको वेल्डिंग सिखाई जाती है, वाटर पाइपलाइंस की प्लम्बिंग सिखाई जाती है, आपको मेटल को कैसे कट करना चाहिए, कैसे जोड़ना चाहिए, ये सारी चीजें आपको सिखाया जाता है। सो दिस इज बेसिकली प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ स्टफ। सो दिस इज ऑफ 50 मार्क्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैथमेटिक्स 125, फिजिक्स 100, केमिस्ट्री 100, मैकेनिक्स इज 150, BEE is 150, EVS is very simple 75, and then ये जो है basic workshop, ये सिर्फ practical होता है। इसका आपको एक manual मिलता है, journal sort of thing, उसको आपको भरना होता है अलग अलग चीजों से। Now हम जो आज deal करने वाले हैं students, that is with mechanics, and ये जो पूरा session चलने वाला है इसके अंदर में हम mechanics पढ़ेंगे, we'll be studying BEE as well as we'll be studying मैथमेटिक्स। सो 150, 150 एंड 125, द टोटल काउंट इज 425 मार्क्स का बेस मैं आपका इस पूरे सेशन में बनवा दूंगा। नाउ द टोटल वेटेज ऑफ योर फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी का, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा सिलेबस अलग अलग होता है। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई यूनिवर्सिटी। सो द टोटल वेटेज इज 750 मार्क्स स्टूडेंट्स। So let's start with engineering mechanics. Pay attention. I will request all my dear participants to kindly mute themselves. फिर last में we'll have 5 minutes का question answer वाला round, और उसमें हम लोग आप लोग unmute कर लेना। Now see, this is mechanics. अब mechanics की अगर आप बात करो तो mechanics में दो unit test होती है। जरा समझना 150 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। यूजुअली आपकी सेमेस्टर होती है 6 महीने के स्पैन में, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, उसमें यू हैव 2 यूनिट टेस्ट, स्कूल का पैटर्न, एंड 1 सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो आपकी 2 यूनिट टेस्ट ली जाती है 20-20 मार्क की, उन दोनों का एवरेज निकाला जाता है, और वो एवरेज आपको यहाँ पे दिया जाता है आउट ऑफ 20 में। फिर 80 मार्क का जो होता है पेपर वो आपका यूनिवर्सिटी सेट करता है। माइंड यू, यू टेक एनी कॉलेज माय डियर स्टूडेंट्स, लेट इट बी यू गो फॉर एनी मुंबई साइड कॉलेज, यू गो टू एनी रायगढ़ साइड कॉलेज, यू गो टू एनी कॉलेज, फर्स्ट ईयर एंड फाइनल ईयर के पेपर्स यूनिवर्सिटी में सेट होते हैं। कॉमन पेपर हर कॉलेज में आता है और चेकिंग भी यूनिवर्सिटी में होती है। आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट ईयर एंड फाइनल ईयर द पेपर्स आर सेट बाय द यूनिवर्सिटी एंड द करेक्शन इज ऑल्सो डन बाय द यूनिवर्सिटी स्टाफ। सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में यू हैव अ बिट ऑफ एडवांटेज, पेपर्स आर स्टिल सेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, सो दैट ऑल द कॉलेजेस यू टेक इन तेरना कॉलेज, यू टेक इन जोंधले कॉलेज, यू टेक इन एनी थाडोमल सहनी कॉलेज, यू टेक इन वाटूमल, any college you take admission into, the papers are set by the university, but in the second and the third year the paper correction is done inside the college campus. So jo teacher aapko padha rahe hain wohi aapka paper correction karte hain second and third year mein. First and fourth year mein paper correction
एंड पेपर सेटिंग सब बाहर ही होता है. तो सबसे टफेस्ट जो एक इंजीनियरिंग लाइफ के स्पैन में बैठता है वो है फर्स्ट सेमेस्टर. इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क. तो यू ऑल आर वेरी गुड इन हार्ड वर्क बिकॉज यू हैव लिटरली स्लॉग फॉर ऑलमोस्ट नाउ 2.5 years. सो यू आर वेरी गुड इन हार्ड वर्क. ठीक है, नाउ यू आर यू विल बी ट्रेन अबाउट स्मार्ट वर्क. तो बेसिकली अभी हम क्या करने वाले हैं, मैकेनिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव स्टडीड. अब हम चलने वाले बेसिक में कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस मैकेनिक्स एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड. ठीक है, तो अभी हम लोग वहां से शुरुआत करते हैं. तो पे अटेंशन ऑन योर स्क्रीन्स. लेट्स से so that's engineering mechanics. Okay, that's for you. Now what exactly are you going to study in engineering mechanics? So it's a very versatile and beautiful branch. Short mein agar hum baat kare to mechanics mein sir hum kya padhne wale hain? Simple. Mechanics ke andar agar maan lo aapke paas mein ek body hai. Let's say this is a charger, this is a body. Theek hai? Iske upar mein agar main alag alag forces laga do to is body pe kya asar ho raha hai? Us asar ko hi hum mechanics mein padhne wale hain. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अभी आपको पता है आज दशहरा है. पहली बात तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू. नाउ अगर मान लो गणेश जी का गणेश चतुर्थी थी तो हम घर में गणेश स्थापना करते हैं, गणेश जी की मूर्ति लेके आते हैं. आई एम टेकिंग ऐसे ही डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल. तो अगर मान लो मेरे पास पे एक मूर्ति है गणेश भगवान की एंड इट्स वेरी ह्यूज. वो मूर्ति मान लो देर इफ इफ इट वुड हैव बीन अ नॉर्मल केस नो कोरोना, वो हमारे यहाँ के किसी पंडाल की मूर्ति है, मंडप वगैरह में जो हम एरिया में रखते हैं, बिल्डिंगों में रखते हैं, है ना, बड़ी मूर्ति है. तो अगर बड़ी मूर्ति को आप लेके आ रहे हो, उसकी स्थापना कर रहे हो, तो पहली बात तो मूर्ति छोटी अगर हम घर में लेके आते हैं तो हमारे घर के जो मुखिया होते हैं, द मेन हेड ऑफ द फैमिली, ही ब्रिंग्स इट इन टू द हाउस. मोस्टली पापा हो या भाई हो, ऐसे बड़ा कोई आदमी लेके आता है. बट अगर पंडाल की मूर्ति होती है तो हम एक आदमी पर डिपेंड नहीं करते. हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर उसे उठाते हैं. और अगर मान लो वो मूर्ति बहुत ही बड़ी है, देन वी गो फॉर क्रेन्स एज वेल. आप लोग ने कभी ना कभी देखा होगा जू चौपाटी वगैरह पे जब विसर्जन होता है तो क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज द आइडल्स आर ह्यूज. नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर मान लो बहुत बड़ी मूर्ति है तो हम बहुत सारे लोगों को क्यों एक साथ लेते हैं? आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ and you can participate in this discussion right now and then again you will mute yourself. बड़ी मूर्ति में हम बहुत लोग को क्यों चाहते हैं? आप वीडियो मत चालू करो अब. ठीक है, अभी क्या हम अपने अपने घरों में है ना, तो be comfortable. आप बात करो, आप अपना नाम बोल दो, बात कर लो and then mute कर लो खुद को. छोटी मूर्ति में एक आदमी चलता है, बड़ी मूर्ति में एक आदमी क्यों नहीं चलता? And try to speak. अच्छा चलो नाम भी मत बोलो, ट्राई टू स्पीक. बहुत सारे लोग क्योंकि यूनिटी रहती है, क्योंकि यूनिटी रहती है और फोर्स बहुत चाहिए रहता है. वेरी गुड एग्जांपल सर. एक तो यूनिटी है, सद्भावना है कि हम सब एक हैं, वो बहुत बड़ी. लोग मैंने तिलक ने इसीलिए गणेश चतुर्थी की जो है आपको पता है कि शुरुआत की थी. वेरी गुड, कीपिंग दैट असाइड, दैट्स अ गुड पॉइंट, वैलिड पॉइंट, वी ऑल अग्री. नेक्स्ट क्या है? फोर्स. यस गौरव, फोर्स. सर अकेला मूर्ति अगर एक बंदा उठाएगा, वी कुड ब्रिंग अ बॉडी बिल्डर इनटू द पिक्चर. सर एक बहुत बड़ा कोई मिस्टर ओलंपिया वाले बंदे को लेके आओ जो 100-100 किलो उठा लेता है, उनके लिए गणेश जी की बड़ी मूर्ति उठाना बड़ी बात नहीं है. बट हम रिस्क नहीं लेते, हम किसी एक बॉडी बिल्डर को नहीं बुलाते, भाई चला जा उठा ले. नहीं, हम क्या करते हैं, एक साथ उठाते हैं. नाउ मान लो हम अभी इस क्लासरूम में मान लो 24 बच्चे हैं, तो हम सब 24 लोग मिलकर एक मूर्ति उठा रहे हैं, तो हमारे पास में कितने फोर्सेस हो गए? 24 लोगों के फोर्सेस हो गए, 24 फोर्सेस. बट ये सारे फोर्सेस उस गणेश जी के आइडल के ऊपर क्या असर दे रहे हैं, उसी को हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में. अच्छा क्या असर दे रहे हैं सर? तो सोचो जरा क्या असर हो सकता है.
सर गणेश जी की मूर्ति कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस हो सकती है. सो डिस्प्लेसमेंट इज वन असर. नेक्स्ट, इट कैन हैव अ मोशन. आप गणेश जी की मूर्ति को लेके सीधे चल सकते हो, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. आप गणेश जी की मूर्ति को लेके गोल गोल घूम सकते हो, मतलब ऐसा रोटेट, सो दैट इज रोटेशनल मोशन. आप गणेश जी की मूर्ति को लेकर zigzag पथ, मतलब मेन रोड कहीं होगा जहां से आपने गाड़ी से मूर्ति उठाई, पंडाल कहीं और होगा, आप लेकर जा रहे हो. सो अगेन यू हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मोशंस. कहीं रास्ता सीधा होगा, कहीं पैराबोलिक होगा, कहीं हाइपरबोलिक होगा, कहीं सर्क्यूलर होगा. सो यू हैव मोशन. व्हेन यू हैव मोशन, यू हैव स्टैंडर्ड फ्यू काइनेमेटिकल इक्वेशंस. आराम से समझना. यू हैव डिस्प्लेसमेंट, यू हैव वेलोसिटी, यू हैव एक्सेलरेशन, यू हैव सम टाइम. ऐसा भी है कि मूर्ति वहां से यहाँ लाने में 5 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए. विसर्जन करने में हम इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि निकलना कब है, क्योंकि ट्रैफिक भी हो सकती है. तो ये असर तो एक मूर्ति का हुआ, एक एग्जाम्पल हुआ. दूसरा एग्जाम्पल, अभी देखो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में लोग, अभी आप गोल मैदान में ही चले जाओ तो आप देखोगे कि सुबह सुबह लोग बैडमिंटन बहुत खेलते हैं. अगर आप बैडमिंटन खेलते हो तो अगेन लेट से दिस इज द शटल कॉक, उसको रैकेट से मारेंगे, तो इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, मूर्ति पे आपने फोर्सेस लगाए थे. इस पे तो आप एक ही फोर्स लगाते हो, बस उसको मारते हो. इलास्टिक होता है वो, एक तरीके का जो बैडमिंटन है. अब इसका जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, सर नहीं समझता प्रोजेक्टाइल, पढ़ा है आपने, आपको पता है, फिर भी एक ऐसा मोशन हो गया, उसका एक इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड, वो अंडर ग्रेविटी पे होता है. ऐसा नहीं शूट मार दिया तो डायरेक्ट जाके मिलेगा चंद्रमा पे कॉक, है ना, वो जाके कहीं गिरेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. तो उसकी ट्रैजेक्टरी होगी, शुरू कहीं होगा, मैक्सिमम पीक लेगा और वापस गिरेगा, इसी बात है. तो उसने कुछ रेंज कवर किया होगा, एक प्लेयर इधर एक प्लेयर इधर है तो यहां से यहां पहुंचना है, एक रेंज कवर किया होगा, कुछ टाइम लिया होगा. ये तो शटल कॉक का एग्जाम्पल दे दिया. सिमिलर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर मिसाइल. आप देख रहे हो अभी जैसे ही चाइना के साथ में इंडिया का थोड़ा टसल बढ़ गया है, इंडिया तो वैसे शांत प्रिय कंट्री हमेशा से रहा है, बट आपने देखा है कितनी ज्यादा जो मिसाइलों की जो हमारे यहाँ पे अभी अभी टेस्टिंग हुई है, तो उसके अंदर में भी मिसाइल में कौन सा प्रोजेक्शन होता है भाई, प्रोजेक्टाइल ही तो होता है. एक ऊपर ऊपर से देखा जाए तो कि आप एक जगह से टारगेट को आप जैसे अटैक करते हो, कहीं ना कहीं वो गिरता है, बीच में लीनियर भी होता है, बहुत सारे मोशन आते हैं, रेजिस्टेंस आता है, पढ़ने वाले हम. तो ये तो मैंने शटल कॉक का एग्जांपल लिया, यही एग्जांपल घुमा के आप बोल सकते हो अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन. सो इफ यू टारगेट योर पिस्टल लाइक दिस, द बुलेट विल गो आउट एंड इट विल फॉल डाउन. सेकंड एग्जांपल. थर्ड, अ मिसाइल इज फायर्ड, सो अगेन अ प्रोजेक्टाइल मोशन. अ स्टोन इज थ्रोन, अगेन अ प्रोजेक्टाइल मोशन. तो ये सारी चीजें क्या हो गई, मैकेनिक्स में आ गई. ठीक है, थोड़ा और डेप्थ में लेके जाता हूँ. मैकेनिक्स को हम सब डिवाइड करेंगे. अब ध्यान से समझना, ये डिवीजन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो अगर मैं ऊपर ऊपर से बोलूं व्हाट इज मैकेनिक्स, सो इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस. दैट डील्स विद इफेक्ट ऑफ फोर्सेस on anybody. अभी आप लोग जितने भी इस लेक्चर में हो ना, एकदम शांत दिमाग से बैठना, बिल्कुल भी कोई टेंशन लेके नहीं बैठना कि सर मेरे दिमाग में ना एक डाउट ये चल रहा है, मेरा ना वो चल रहा है, मेरा कैटेगरी में स्टूडेंट हो तो मेरे को क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए. बेटा वो टाइम आएगा तो मैं आपका ये स्टॉप करा के वही पढ़ाने वाला हूँ, वही करवाने वाला हूँ. अभी जरूरत नहीं है उस चीज की, अभी शांत रहेंगे. आपके बहुत सारे मेरे को पता है डाउट्स एंड डिफिकल्टीज हो सकते हैं, मैं बताऊंगा प्रॉपर टाइम, उस टाइम पे करेंगे. अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हमारे पास में अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. अब ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ना एक आता है हमारे पास में मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज. एग्जाम्पल समझना, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज का मतलब ये होता है कि हम
जिस बॉडी का बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, आई वॉन्ट यू टू अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी, बच्चा जब आप इस बुलेट को फायर करोगे तो ऐसा नहीं आपको लगता है कि बुलेट जब फायर होता है तो पीछे से जब इसको धक्का लगता है ना, इसको आपको एक इम्पैक्ट देना होगा, तो बुलेट थोड़ा डैमेज होता होगा, हल्का सा इसका शेप साइज थोड़ा सा चेंज होता होगा, यस और नो? यस यस. नाउ अगर इसका थोड़ा शेप और साइज चेंज हो जाता है, जरा मुझे एक बात बताओ, तो ये बॉडी कैसी हुई? इट इज डीफॉर्मेबल बॉडी. बट हम लोग अभी जो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमन हर कोई पढ़ रहा है, दैट इज मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज. नाउ आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट. ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली म्यूट करके बैठ गए हो. इंजीनियर ऐसे नहीं बनना, हमने पार्टिसिपेट करना है. आप भले वीडियो मत चालू करो, आप बीच बीच में उसमें बोलते रहो. ठीक है, अब होगा क्या बेटा, जब आप इसको फायर करते हो ये डिफॉर्म हो गया. हम फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं उसमें हम बॉडी को रिजिड अज्यूम करेंगे. Now the question is, जो बच्चों के दिमाग में आएगा, सर बट 100% rigidity is a myth, it's a concept, it's illusion. ऐसा तो नहीं होता, ऐसा कोई चीज होता है जो कभी टूटे ही ना? ऐसा तो कुछ नहीं होता. थोड़ा बहुत तो डिफॉर्म हो ही सकता है, जोर से पटक दो थोड़ा सा टूटेगा, थोड़ा बेंड होएगा, थोड़ा दबेगा, थोड़ा ट्विस्ट होएगा. तो हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे कि अगर मैंने एक बुलेट फायर किया तो आई एम नो वे कंसर्न with the shape and size of the bullet, with the heaviness or the weight of the bullet, with the texture of the bullet, with the color of the bullet, I am only concerned bullet fire hua hai, wo jayega kidhar, wo girega kidhar, wo kahan pe tabahi machayega. Waise hi jab main shuttlecock se khelta hu to meri racket ka bhi thoda sa spring action hota hai, usme net hoti hai, cock ke piche rubber hota hai, it is rubbery effect, spongy effect. आपने कोलिजन पढ़ा है 12th में, तो हमको कुछ लेना देना नहीं है कि जब रैकेट से मारोगे तो थोड़ा स्प्रिंग एक्शन होएगा फिर ये ऐसे उड़ेगा ना. हमको खाली ये करना है, मैंने यहां से फोर्स दिया ये कहां जाएगा. सो दैट इज मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज जो हम पढ़ने वाले हैं. तो अब किसी के दिमाग में आएगा, सर बट रियल लाइफ तो ऐसा नहीं होता. तो इसीलिए थोड़ा और डेप्थ में जाता है मैकेनिक्स ऑफ डीफॉर्मेबल बॉडीज. सर लेकिन रियल लाइफ में तो दिस डजंट टेक प्लेस, रियल लाइफ में तो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी. यस, फॉर एग्जांपल सर, इसका कोई अच्छा एग्जांपल दे दीजिए. तो सोचो ये जो दो एग्जांपल दिए बुलेट और कॉक, वो छोड़ो, बार बार सेम एग्जांपल नहीं लेना है. मान लो अभी आप जिस टेबल पे बैठे हो, जिस चेयर पे बैठे हो, जैसे ही आप उसके ऊपर बैठ गए हो, आपको नहीं लगता न्यूटन की थर्ड लॉ शुरू हो गई? यस. अच्छा, आपको नहीं लगता थोड़ा सा चेयर दब गया होगा, थोड़ा सा ऐसा थोड़ा दब गया होगा? या चलो ठीक है, चेयर बहुत कड़क वाला लिया है आपने, मेटल का लिया है, लकड़ी का लिया है, तो वो डिफॉर्मेशन नहीं समझेगा. बट अगर आपके चेयर पे कुशन है तो कुशन पे डिफॉर्मेशन समझ में आता है. सो नाउ द फोर्सेज आर कॉजिंग द बॉडी टू डिफॉर्म. सो ये जो स्टडी होगी उसको हम अलग कैटेगरी में डालते हैं जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ डीफॉर्मेबल बॉडीज. इसका एक छोटा सा एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको ये देता हूं. जैसे आपको पता है, अब आप इंजीनियर बन रहे हो, हम गाड़ियों की क्रैश टेस्ट करते हैं. आपने देखा होगा कि गाड़ी को ऐसे लेके जाते हैं, अंदर डमी को बैठाते हो, कहीं जाके इम्पैक्ट कर देते हैं, तो इम्पैक्ट की वजह से क्या होता है, गाड़ी ऐसे क्रश हो जाती है, गाड़ी रिजिड थोड़ी होती है. अब बहुत बड़ी मिथ बताता हूं मैं आपको. आपने देखा होगा फॉरवर्डेड एग्जांपल्स आते रहते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे कि एक टाटा नैनो ने एक टेम्पो को टक्कर मार दी, तो टाटा नैनो एकदम सीधी है, ऐसे एग्जांपल बोल रहा हूँ, और टेम्पो पिचक गई, दब गई, क्रश हो गई. ए टेम्पो बकवास है ना, जरा इंजीनियर वाला दिमाग खटकाओ. अगर आप एक ऐसे गाड़ी में बैठे हो जो इम्पैक्ट के बाद क्रश हो ही नहीं, तो क्या होगा मालूम? वो इम्पैक्ट जब लगेगा ना, तो गाड़ी का जो मेटल है, जो फ्रेम है, वो उस इम्पैक्ट को अंदर पैसेंजर्स तक लेके चला जाएगा. एंड जब पैसेंजर्स पे धक्का लगेगा तो आपको इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा. इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास में जब जब आप
इम्पैक्ट कर रहे हो, जब आप इम्पैक्ट कर रहे हो और अगर मान लो सामने का जो बॉडी है वो क्रश हो गया, अगर वो क्रश हो गया तो उसने क्या कर लिया, आपको समझ में आ रहा है, उसने वो इम्पैक्ट को झेल लिया है। इसको बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ डीफॉर्मेबल बॉडीज। इस चीज का बहुत ज्यादा उपयोग हम वहां करते हैं जहां पे आपको टेस्टिंग करनी होती है, जैसे स्प्रिंग। स्प्रिंग इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ डीफॉर्मेबल बॉडी, आपको पता है। या फिर अगर आप स्विमिंग पूल के ऊपर, आपने देखा होगा दो चार फ्लोर के ऊपर में वो डाइवर जाके ऐसे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जंप करता है और उसके बाद अंदर छलांग मारता है, दैट इज डीफॉर्मेबल। आपकी गाड़ियों का जितना सस्पेंशन है, दैट इज डीफॉर्मेबल। हम उसको रिजिड नहीं रखते, खड़खड़खड़खड़, समझते हो ना, पूरे टाइम ऐसा शेकिनेस आएगा आपको, वाइब्रेशन फील होंगे। एंड इसीलिए जो गाड़ियां जितनी ज्यादा रिफाइंड होती है, बोले तो वाइब्रेशन कम होती है, उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, बिकॉज आप उसके अंदर उस वाइब्रेशन को निकाल रहे हो। लॉजिक समझ में आ गया? तो इस चीज को पढ़ने के लिए अभी अगर हम स्टार्ट करते हैं, हम जो पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर वन में वो है ये जो पार्ट अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये है सेमेस्टर थर्ड में, लेकिन ये पढ़ाया जाता है सिविल इंजीनियर्स को, प्रोडक्शन इंजीनियर्स को, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स को, मैकेनिकल इंजीनियर्स को। एंड ये जो सब्जेक्ट का नाम है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अच्छा चलो मैं एक चीज पूछता हूं, आई वुड लाइक यू ऑल टू रेस्पॉन्ड टू इट। मेरे को बताओ कभी आपने ऐसा फील किया, अब इसमें ना आपकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है ऑब्जर्वेशन स्किल्स की। कभी आप अगर प्लेटफॉर्म पे या रेलवे पे कभी आप ऐसे देखे हो, ब्रिज के ऊपर खड़े हो एंड सडनली ब्रिज के ऊपर में जब लोग चलते हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे, द ब्रिज वाइब्रेट्स, किसी ने देखा है तो प्लीज यस बोले। अब वो डिपेंड करता है आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कितनी अच्छी है। Yes. देखा है, एवरीवन शुड पार्टिसिपेट। नहीं देखा है, ले सर हम नहीं बोले। अरे बेटा चैट में मत बोलो, चैट में धनाधन आंसर्स आ रहे हैं, चैट में नहीं बोलो, इधर बोलो, इधर विवेक। चैट में सब डाल रहे थे सर, शर्मीले हैं सर, हम अभी नहीं, अभी हम खुले नहीं, अभी हम इंजीनियर नहीं बने सर, अभी हम थोड़े शर्मा रहे हैं, मुंह दिखाई होगी हमारी, उसके बाद में हम खुलेंगे। चलो ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये सॉम नाम का सब्जेक्ट है। कल जो दो बच्चे आपको, श्वेता एंड हरदीप, जो पंजाबी लड़का था उसने जो बताया आपको, वो यही सब्जेक्ट है। ठीक है, तीसरा कैटेगरी आता है हमारे पास में। पहले हम ना सब चीज समझ लेंगे, एक बार हम इसके ब्रॉड एस्पेक्ट को समझेंगे। ये मतलब नहीं है कि मैंने एक फॉर्मूला दे दिया, इसके ऊपर चार सम कर लिया, ये बड़ा मस्त मजा आ गया हमको, नहीं। इंजीनियरिंग हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा पहले हम उसका पूरा का पूरा, जहां जहां पे वो लगता है, इस्तेमाल होता है, पहले हमें वो समझना बहुत जरूरी है, बाद में देखेंगे कि कैसे सम सॉल्व करते हैं। लास्ट जो तीसरा कैटेगरी आता है, दैट इज मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। आपको एक चीज बताता हूं मैं, जैसे मान लो ये मेरे पास में एक पानी का बॉटल है, ठीक है, आपको पता है एनीथिंग विच कैन फ्लो इज अ फ्लूइड, लेट इट बी एयर, आई मीन लेट इट बी गैसेस और लेट इट बी लिक्विड, देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो जो लिक्विड है एंड जो हमारे पास में गैसेस हैं, दे ऑल आर फ्लूइड। अब होता क्या है कि हम ना इन फ्लूइड के ऊपर में भी फोर्सेस लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल, आपको पता है आपके घर में सिलेंडर आती है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको प्रेशर डाल डाल के एक छोटे से सिलेंडर में कैद करके हमारे घर में आता है वो। अभी देखो ये पानी खोलो पी लो पटक से खत्म हो जाएगा, लेकिन सिलेंडर ऐसा नहीं है कि आज रात की चपाती बनाई, मम्मी ने कोकी बनाई, कड़ी बनाई, ले सिलेंडर खत्म, नया सिलेंडर लाओ, ऐसा थोड़ी होता है। वो सिलेंडर चलता है एक डेढ़ दो महीने चार महीने, जितना जैसे हमारे घर में सदस्य हैं उस हिसाब से। तो हमने गैसेस को प्रेशराइज किया है, and what is pressure, force upon area, again force आया। तो force की study gas पे भी होती है। तो ये cylinder एक example हुआ, छोटे मोटे example से start करते हैं। cycling सबने की है life में,
और मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो साइकिल के जगह डायरेक्ट एक्टिवा से शुरू किए हैं, तो एक्टिवा सबने चलाया है, बाइक चलाया, कार चलाया है, उसमें हवा भरते हो आप टायर में, हवा मौजूद हर जगह है, हवा इज एवरीवेयर, स्टडी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, हवा है हर जगह, लेकिन जब अपने को इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में अप्लाई करना है, टायर में भरना है ना, तो टायर का प्रेशर इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो टायर बर्स्ट हो जाएगा या फिर टायर कट जाएगा, अगर हवा कम रहेगी, दबा रहेगा, आप समझते हो, रिम से कट जाएगा टायर, तो दोनों केसेस में आपका लॉस है। तो ये जो स्टडी है इसको हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। यही सारे ब्रांचेस जो है, इन ब्रांचेस को पढ़ना पड़ता है इन सेमेस्टर फिफ्थ। ऐसे तो हमने 48 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 48 सारे सालों को मिलाकर। मैं छोटा छोटा ग्लिम्स देते जा रहा हूं आपको कि हमने कितना कितना कहां कहां कैसे कैसे पढ़ना है। तो सेमेस्टर वन का पता दिया, सेमेस्टर थ्री बता दिया, सेमेस्टर फाइव बता दिया, शुरू नहीं किया अभी हमने, सब समझ रहे हैं अभी, एंजॉय कर रहे हैं इस प्रोसेस को, एंजॉय कर रहे हैं। अब जरा सोचो ये फ्लूइड मैकेनिक्स और कहां यूज होता होगा। जैसे कि एग्जांपल ये है, हम और आप ने 11th एंड 12th में पढ़ा है कि लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल। द स्टेटमेंट इज फॉल्स, एक्चुअली लिक्विड्स को कंप्रेस कर सकते हैं बट इकोनॉमिक नहीं है वो, बहुत हाई प्रेशर लगता है तब जाके लिक्विड थोड़ा सा कंप्रेस होता है, तो हम उसको इनकंप्रेसिबल बोलते हैं। मान लो बच्चा अगर ये कंप्रेसिबल होता तो वाह क्या बात होती। जैसे ये 1 लीटर बॉटल में मैं सिर्फ 1 लीटर पानी भर पा रहा हूं आज, क्योंकि पानी कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। लेकिन हाँ, मैं अगर यहाँ पे गैस होती ना तो 1 लीटर से ज्यादा गैस भर चुका रहता। हाँ, बॉटल स्ट्रॉन्ग लेनी पड़ती, फट जाता नहीं तो बॉटल। तो जैसे सिलेंडर में हम बहुत सारे महीनों की गैस एक साथ भर सकते हैं, वैसे सिलेंडर में बहुत सारे महीनों का पानी एक साथ नहीं भर सकते। समझ में आ रहा है? आप ये नहीं कर सकते हो कि भाई बारिश हो रही है 4 महीने तो मैंने ऊपर घर के ऊपर की टाकी पूरे साल भर की भर डाली प्रेशर कर करके। दैट वी कैन नॉट डू बिकॉज वाटर इज इनकम्प्रेसिबल। ऐसे पढ़ोगे तो मजा आएगा कि अरे हाँ यार ये तो बराबर है, सही बात है। नहीं तो कितना आसान होता, बैग में इतनी सी डिबिया रखते, इसी में पानी भर भर के कंप्रेस कर करके पूरे दिन का रहता, इसी की चुस्की लगाते पूरा दिन चलता। We cannot do it. You cannot store like that. अगर वैसा स्टोर कर पाते तो हमारे यहाँ इतने ज्यादा फार्मर सुसाइड नहीं करते। Look at the broader aspect. हम पानी यहाँ पे छोटे छोटे डब्बों में भर भर के भेज देते वहां पे, क्योंकि अपने यहाँ पानी वेस्ट होता है। So ये जो स्टडी होती है, that is fluid mechanics. अब ये तो मैंने आम भाषा में बात किया, फ्लूड मैकेनिक्स का एक मस्त एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अब मुझे चाहिए कि आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना। आई आस्क यू टू थिंग्स, चल वन थिंग पूछता हूँ, टू पूछता ही नहीं हूँ। वॉटर एंड हनी दोनों में से ज्यादा विस्कोसिटी किसकी है? सिंपल है यार, सिंपल है, गाढ़ापन किसकी है? आम भाषा हनी। हनी, वेरी गुड। एवरीवन शुड पार्टिसिपेट। फटक से अनम्यूट करो, बोलो, बंद करो। किसकी है हनी की वॉटर? एवरीवन हनी। हाँ, गड़बड़ हो गया सर, वॉटर या हनी? सर वॉटर या हनी? हनी बेटा देखो, विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस टू फ्लो, इंग्लिश। अपन साथ में सीधा बात करते हैं। मान लो एक बॉटल पानी लिया, एक बॉटल हनी लिया, इतना हनी बहुत महंगा हो जाएगा, एक बॉटल हनी ले लिया, मैं ये बॉटल खोल दिया और ऐसा गिरा दिया, तो पानी फ्लो होएगा, कहीं तो जाएगा। मान लो वही हनी लिया उतना ही, उसको गिरा दिया, हनी वहां तक नहीं जाएगा, हनी यहीं पर रहेगा कहीं तो, बिकॉज हनी रेजिस्ट इट्स ओन मोशन। सो आप समझ में ले लो, जो बच्चे मेरे बेचारे बोले पानी ज्यादा विस्कस है, ना 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 ना, ना हनी ज्यादा विस्कस है। यहां तक क्लियर हो गई चीज, हम ऐसे क्लियर करने वाले हैं। पढ़ाई का मजा ऐसे आता है, रटी रटाई चीजें हो गई 11, 12, वो तो जेई वेई में पूछते हैं, अब वैसा नहीं होता। अब ठीक है, ये हो गया। अब ये मैंने क्यों बताया आपको, पता है? मान लो अगर ये मेरे पास में एक नल है, टैप टैप पाइपलाइन, आपको पता है कंपनी में ऐसे बॉटल को ऐसे नहीं भरा जाता है कि ऐसा जग लिया, मग लिया और ऐसा भर के देखा, हाँ 1 लीटर हो गया, चलो पैक करो, चलो भेजो आगे, ऐसा नहीं होता। फास्ट प्रोडक्शन है, बहुत सारी बॉटल्स होती है, उसमें बराबर नोजल्स लगे होते हैं, फट 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 सब में भरता है, सील पैक होता है, निकल जाता है। अब अगर मैं पानी की कंपनी खोलूं, मतलब एज ए बिस्लरी, बिस्लरी का, तो आपको पता है
पानी में रेजिस्टेंस कम है, तो जब मैं पानी को यहाँ पे फ्लो कराऊंगा ना, पानी फास्ट फ्लो होगा, बॉटल जल्दी भरेगी, पानी अंदर छिपकेगा नहीं। लेकिन अगर मैं हनी एक लीटर भरना चाहूंगा तो हनी में जबरदस्त रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी ज्यादा है। तो हनी को गाढ़ेपन से रोकने के लिए या हनी का एक लीटर भरने के लिए या तो आप इस पाइप की डायमीटर को बढ़ाओ या तो नल ज्यादा देर खोल के रखो। मैं अभी बेसिक वर्ड्स यूज करो, नल ऐसा नल नहीं बोलते, वाल्व बोलते हैं इसको। तो ज्यादा देर तक इसको खोलूंगा या फिर मैं इसके अगल बगल में हीटिंग कॉइल लगा दूंगा, उससे क्या होगा हनी थोड़ा लूज पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो आपने क्या किया, अलग अलग तरीके का उपयोग किया बिकॉज हनी वॉज रेजिस्टिंग इट्स ओन फ्लो। सो रेजिस्टेंस किस तरीके का? फोर्स का रेजिस्टेंस है। ये भी एक तरीके का मैकेनिक्स है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। अब जाके आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा कि एक होता है रिजिड बॉडीज के बारे में पढ़ते, एक होता है डिफॉर्मेबल बॉडीज के बारे में पढ़ते और एक होता है फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं सर इसमें से? सर हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, ये अपना टारगेट है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम ये क्यों पढ़ने वाले हैं। तो इसका दो रीजन, पहला रीजन सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा, दूसरा रीजन सर हम तो कंप्यूटर लेने वाले हैं सर, कंप्यूटर साइंस, हम आईटी लेने वाले हैं सर, हम ये क्यों पढ़े? तो हम क्यों पढ़े वो समझो। बेटा देखो होता क्या है कि आप कोई भी ब्रांच ले लो, आज कोई भी ब्रांच अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जैसे मैं बहुत ज्ञानी हूं अगर, बट बिना कंप्यूटर के आई कैन नॉट वर्क टुडे, सो आई एनी हाउ बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर आई हैव टू यूज अ कंप्यूटर अप्लायंस, आई हैव टू यूज दिस गैजेट। बट ये कंप्यूटर ऐसे ही नहीं चलता, इसमें बैटरी होती है, सर्किट होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला बंदा चाहिए मुझे यहाँ पे। वाईफाई राउटर है तो आपको टेलीकम्युनिकेशन चाहिए, कम्युनिकेशन करना है तो EXTC आ जाता है। ये राउटर किसी कंपनी में बना होगा, ये कंप्यूटर किसी कंपनी में बना होगा, जहां बना होगा वहां मशीन्स होगी तो मैकेनिकल आ जाता है। कंपनी में मशीन जहां बनी वो कंपनी रोड पे नहीं होगी, वो किसी बिल्डिंग में होगी, कोई स्ट्रक्चर होगा तो वहां सिविल आ जाता है। कोई भी मशीन बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलेगी, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको कहीं ना कहीं टर्बाइन लगाना होगा, कोयला जलाना होगा या फिर न्यूक्लियर पावर यूज करना होगा, न्यूक्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना होगा, या कहीं से ऐसा पहाड़ से गिराना होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, टर्बाइन घुमा, स्वदेश मूवी देख लेना। तो आप कोई भी ब्रांच ऐसा नहीं बोल सकते बच्चा कि ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है, साला अपने को दूसरे का पढ़ा ही नहीं, अपन अपने में मस्त है, ऐसा नहीं होता है। तो ये अच्छा है कि वो अच्छा है? बेटा सब अच्छा है, आपको किसमें इंटरेस्ट है वो कर लो। अभी एक डॉक्टर अगर आया, एक डॉक्टर अभी आपको पता है, मैं अभी आपको लाइव एक मस्त एग्जांपल देता हूं, देखो समझ पाए तो ठीक। मान लो ये मेरे पास में बहुत लंबी सी एक वायर है, ये एक वायर है। आपने देखा है कभी कभी सलाइन लगती है बॉडी में, ग्लूकोज ग्लूकोज चढ़ाते हैं मतलब एकदम जबरदस्त एनर्जी चाहिए वीक हो गया तो आप देखते हो उसमें ड्रिप होती है, एक ऐसा एक बॉटल होती है, बॉटल में से एक ऐसा होता है उसमें एक मीटर होता है जो फ्लो रेगुलेट करता है। अगर आप वो ड्रिप का फ्लो रेट बढ़ा दोगे ना तो पूरे बॉडी में सूजन हो जाएगी, यहाँ पे पेन हो जाएगा क्योंकि वो अंदर जा रही है बाहर से चीज। अगेन इट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। एक सुई का डायमीटर कितना होना चाहिए तो कितना प्रेशर कितना फोर्स लगाओगे उससे कितना आपका आगे ड्रग निकलेगा इंजेक्शन में से, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हमारे पास इसीलिए एक स्पेशल ब्रांच होती है विच इज नोन एज बायोमेडिकल। बायोमेडिकल में आप यही चीज पढ़ते हो, बायोलॉजी अलोंग विद मैकेनिकल अलोंग विद इंजीनियरिंग, तो दैट इज बायोमेडिकल। तो सब चीजें जुड़ी भी है, आपने ये डिसाइड करना है आपको क्या पसंद आ रहा है। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ फाउंडेशन का, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया हाउ टू सेलेक्ट अ ब्रांच, आई एम ट्राइंग टू टेल यू वॉट आर डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट ब्रांचेस। So I'll be talking about core branches. Yatin sir, jinse aap kal mile, he'll be talking about electronics, telecommunication, robotics type, mechatronics ke bare mein. Naveen sir, jinse kal aap mile ho, he'll be talking about computer science, IT. Aap samajhte ho? Aise mein aap logo ek ek glimpse dunga. Abhi aap open mind baitho. Ki haan, hum pehle samjhenge kis branch mein kya cheez hai.
उसके बाद वील डिसाइड कि अच्छा सर मेरे को ये दो तीन ब्रांचेस में इंटरेस्ट है, हम फॉर्म में ये दो तीन कॉलेजेस इस ब्रांचेस के हिसाब से भरेंगे. ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा? तो आज हमने ये पढ़ा व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. सो इट्स अ ब्यूटिफुल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन एनी बॉडी. अब बॉडी माइट हैव सम इफेक्ट्स, माइट नॉट हैव एनी इफेक्ट. जैसे इफ यू कंसिडर द बॉडी टू बी रिजिड, there is no effect on the body. A plane is flying from, अभी जैसे एक example देता हूं, अभी आप map के ऊपर Google map में अगर मुझे डालना है कि मुझे यहां से ना Viviana Mall जाना है, तो मैं Google map में ना खाली car, motorcycle, walk, train ऐसे चार option आता है. उस map को कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारी car छोटी है, बड़ी है, heavy है, truck है, क्या है, समझते हो? उसको weight से कुछ लेना देना नहीं है. उसको खाली बताना है भाई यहाँ से स्टार्ट करोगे वहां जाने में 2 घंटे लगेंगे, इतने बजे निकलो इतने बजे पहुंचोगे. इट हैज नथिंग टू डू विद द साइज ऑफ द व्हीकल, विद द नंबर ऑफ पैसेंजर्स सिटिंग इनसाइड द व्हीकल. उसी हिसाब से अगर आप कोई फोर्सेस की ऐसी स्टडी कर रहे हो जिसमें आपको कुछ लेना देना नहीं है कि भाई बॉडी डिफॉर्म हो रही है क्या, जैसे पंखे को आपने हुक से अटका के रखा है, तो पंखे का जो हुक है ना उसमें दो फोर्सेस मैं सोच सकता हूं, आप सोच सकते. तो देखो हुक में द वेट ऑफ द फैन इज एक्टिंग डाउनवर्ड बट द हुक इज अटैच्ड टू द सीलिंग सो हुक इज पुलिंग इट अपवर्ड, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, समझते हो ना? तो क्या हो गया इसके अंदर में, हमारे पास में हुक का शेप साइज इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हुक नीचे नहीं आ जाए. हुक डिफॉर्म हो गया क्या? हमको कुछ नहीं लेना, नीचे नहीं आना चाहिए भाई, पंखे का वजन इतना ही लगाओ. और आपको पता है ये हुक जो है इसको इतना स्ट्रॉन्ग जरूर बनाया जाता है जिसके ऊपर आपको पता है सुशांत सिंह का केस आज तक चल रहा है. पीपल हैंग देमसेल्व्स. पंखा होता कितने किलो का है? 2, 3, 4, 5 किलो का. अपना वजन कितना है? 70-80 किलो. अपन भी लटक गए ना तो भी पंखा का वो हुक गिरता नहीं है. क्यों? वो भी हम पढ़ने वाले हैं. ऐसा क्यों बनाया गया उसको वो आप खुद सोचो. This is known as factor of safety, FOS. If the factor of safety of that hook is less, रात को अपने को गर्मी लगी, अपने को आदत है भाई, अपन पंखे वाले लोग, एसी वाले नहीं, अपन पंखे के नीचे सो रहे, उधर ही मस्त हवा आती है, और उसकी factor of safety कम है, तो वो आखिरी रात सो रहे हो, आखिरी हवा enjoy कर रहा, factor of safety is huge, ठीक है? तो आज हमने बहुत basic touch किया है, बहुत ही basic. आप लोग का ग्रुप में अब जो मैं आपको देता हूँ कुछ लास्ट के 30 सेकंड, कहीं पे आपको कुछ डाउट डिफिकल्टी है तो बोलो, तो मैं एक लिंक फिर से भेजूंगा इसी ग्रुप में, उस लिंक को क्लिक करके आप फिर ज्वाइन कर लोगे तो अपने पास नेक्स्ट 40 मिनट्स भी रहेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट एंड डिफिकल्टी जस्ट लेट मी नो.